सबूत है, अभी ले गए होलसेलर से सबूत हो, आया डेरी खोली है इन्होंने मेरी, ये देखो ये माल पकड़ा गया जी, ये चोरी है दोनों, काफी देरी है, शक्ल दिखाओ भाई साहब, अभी ले गया था माल, इधर देखो आप, और भी दे दो चोरी है। आप देख सकते हैं करण गेट बाजार में किस तरह से सामान चुरा लिया गया था, जब एक महिला को पकड़ लिया दूसरी जो है वो भाग जाती है लेकर, कितना सामान ले गए थे आपको उठा के? सर जी मेरे 6 पीस थे, 4 दिए लो, 4 3 आए थे, 3 फिर भी ले गए, 3 और उन पे है, छोड़ दिया आपने, भाग गई अब क्या, लेडी सर्जरी कह रही इंजाम लगाऊंगी, कह रही बदतमीजी करा, मैंने बदतमीजी नहीं कोई करी, मैं आंटी मेरे प्यार से ना माल दे दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अब 3 टॉप लाके दिए, और भी दुकान पे चुराते होंगे ऐसे तो, यही काम है, ये संडे को ये आती है गिरोह में, ग्रुप में रहती है, ये हमारी नजर पड़ गई, पास ऑन कर देती है, इनका यही काम है, ये बैग लेके। आप देख सकते हैं करण गेट पे बाजार में जब ये दुकानें बाहर लगी होती है तो कहीं ना कहीं भीड़ का फायदा उठाकर सामान चुरा लिया जाता है। देख सकते हैं 3 कपड़े वापिस दिए गए, हालांकि 6 चुराए गए थे, और किस तरह से ये देख सकते हैं, आपके आपकी दुकान से उठाए थी? दुकान तो इसी की है, मैंने बताया था इनको। अच्छा, आपने देखा था चुराते हुए? चुराते देखा था, फिर मैंने इसको आते कहा है इसको। हाँ जी, क्या करा उसने, कैसे उठाया था उसने, जैसे यहाँ खड़ी है देख रही है। हाँ जी, देखा उसने ऐसे पीछे उसको पकड़ा दिया वो दूसरी और। अच्छा, और मैं वहाँ से फिर उठ के भागा दुकान, मैंने इसको फिर कहा, इनको भी कहा, ये अपना दूसरे कस्टमर में बिजी थे, वो फटाफट ले जाते, भीड़ का फायदा उठाते हैं, भीड़ का फायदा उठाते हैं, 2-3-4 ग्रुप हैं इनका, हर संडे यही काम है, संडे को स्पेशली इस बाजार में चोरी होती है। संडे बाजार में किस तरह से भीड़ का फायदा उठाया जाता है, तो अंकल जी ने देख लिया तो इनके कपड़े बच गए, नहीं तो ये पता नहीं चलता। और हालांकि 6 उठाए गए थे, 6 कपड़े उठाए गए थे, जिसमें 3 लौटाए, 3 फिर भी इनके कहीं ना कहीं चुरा कर वो ले जाते हैं। मेरी आप सभी से अपील है, अगर आप संडे मार्केट में आते हैं सतर्क जरूर रहें, क्योंकि इस तरह की महिलाएं कहीं ना कहीं फायदा जो है वो उठा कर ले जाती हैं। इनका नाम रखा हुआ है। हाँ जी, ठीकरी क्लास गांव की है। अच्छा जी, पहले भी पकड़ी गई अंकल, भी कई बार पकड़ी, इनका नाम भी रखा हुआ है, जेब कतरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर अभी पकड़ा गया, और साथ ही साथ जब कैमरा चलता है तो तुरंत 3 पीस वापस दे दिए जाते हैं, और महिला को फिलहाल छोड़ दिया जाता है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे दुकानदार के ऊपर कि हम आपके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाएंगे, ऐसे ही कह रहे थे जी। सर ऐसे ही कह रहे थे, मैंने कहा आंटी मेरे टॉप दे दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तो कह रही तू बदतमीजी कर रहा है। फिर मैंने लेडीज को बुलाया, उन्होंने कहा कि बदतमीजी नहीं कर रहे, आप हमारा सामान दो जाओ। फिर एक लेडीज गई दूसरी लेडीज के पास, एक को मैंने यही खड़ा कर दिया, उन्होंने मेरे को सामान ला दे दिया, 6 टॉप थे, 3 दे के गई है। फिर भी कम नुकसान हुआ, हुआ तो नुकसान, आप देख रुपए का मेरा टॉप था, 600 का नुकसान फिर भी हुआ है, देख सकते हैं। हालांकि सारा दिन खड़े के रहकर यहां पर 1000 से 1500 रुपए इन्होंने कमाने होते हैं, किस तरह से शातिर महिलाएं बाजार में आती हैं तो सामान उठाकर यहां से ले जाती हैं। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। सबूत है, अभी ले गए होलसेलर से सबूत, आया डेरी खोली है इन्होंने मेरी, ये देखो ये माल पकड़ा गया जी, ये देखो चोरी है दोनों, काफी देरी है, शक्ल दिखाओ भाई साहब, अभी ले गया था माल, इधर देखो आप, और भी दे दो चोरी है। आप देख सकते हैं करण गेट बाजार में किस तरह से सामान चुरा लिया गया था, जब एक महिला को पकड़ लिया दूसरी जो है वो भाग जाती है लेकर, कितना सामान ले गए थे आपको उठा के? सर जी मेरे 6 पीस थे, 4 दिए लो, 3 आए, 3 फिर भी ले गए, 3 और उन पे है, छोड़ दिया आपने, भाग गई अब क्या, लेडीज कह रही इंजाम लगाऊंगी, कह रही बदतमीजी कर रहा, मैंने बदतमीजी नहीं कोई करी, मैं आंटी मेरे प्यार से ना माल दे दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अब 3 टॉप लाके दिए, और भी दुकान पे चुराते होंगे ऐसे तो, यही काम है, ये संडे को ये आती है गिरोह में, ग्रुप में रहती है, ये हमारी नजर पड़ गई, पास ऑन कर देती है, इनका यही काम है, ये बैग लेके। आप देख सकते हैं करण गेट पे बाजार में जब ये दुकानें बाहर लगी होती है तो कहीं ना कहीं भीड़ का फायदा उठाकर सामान चुरा लिया जाता है। देख सकते हैं 3 कपड़े वापिस दिए गए, हालांकि 6 चुराए गए थे, और किस तरह से ये देख सकते हैं, आपके आपकी दुकान से उठाए थी? दुकान तो इसी की है, मैंने बताया था इनको। अच्छा, आपने देखा था चुराते हुए? चुराते देखा था, फिर मैंने इसको आते कहा है इसको। हाँ जी, क्या करा उसने, कैसे उठाया था उसने, जैसे यहाँ खड़ी है देख रही है। हाँ जी, देखा उसने ऐसे पीछे उसको पकड़ा दिया वो दूसरी और। अच्छा, और मैं वहाँ से फिर उठ के भागा दुकान, मैंने इसको फिर कहा, इनको भी कहा, मैंने ये अपना दूसरे कस्टमर में बिजी थे, वो फटाफट ले जाते, भीड़ का फायदा उठाते हैं, भीड़ का फायदा उठाते हैं, 2-3-4 ग्रुप हैं इनका, हर संडे यही काम है, संडे को स्पेशली इस बाजार में चोरी होती है।
संडे बाजार में किस तरह से भीड़ का फायदा उठाया जाता है तो अंकल जी ने देख लिया, तो इनके कपड़े बच गए नहीं तो ये पता नहीं चलता। और हालांकि छह कपड़े उठाए गए थे जिसमें तीन लौटाए, तीन फिर भी इनके कहीं ना कहीं चुरा कर वो ले जाते हैं। मेरी आप सभी से अपील है, अगर आप संडे मार्केट में आते हैं सतर्क जरूर रहें, क्योंकि इस तरह की महिलाएं कहीं ना कहीं फायदा जो है वो उठा कर ले जाती हैं। इनका नाम रखा हुआ है। हाँ जी, ठीकरी क्लास गांव की हैं ये। अच्छा जी, पहले भी पकड़ी गई हैं अंकल, भी कई बार पकड़ी। इनका नाम भी रखा हुआ है, जेब कतरों से सावधान। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अभी पकड़ा गया, और साथ ही साथ जब कैमरा चलता है तो तुरंत तीन पीस वापस दे दिए जाते हैं और महिला को फिलहाल छोड़ दिया जाता है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे दुकानदार के ऊपर कि हम आपके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाएंगे, ऐसे ही कह रहे थे जी। सर ऐसे ही कह रहे थे, मैंने कहा आंटी मेरे टॉप दे दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो कह रही तू बदतमीजी कर रहा है। फिर मैंने लेडीज को बुलाया, उन्होंने कहा कि बदतमीजी नहीं कर रहे, आप हमारा सामान दो जाओ। फिर एक लेडीज गई दूसरी लेडीज के पास, एक को मैंने यही खड़ा कर दिया, उन्होंने मेरे को सामान ला के दे दिया। छह टॉप थे, तीन देके गई है। फिर भी कम नुकसान हुआ, हुआ तो नुकसान आप देख रहे, 600 रुपए का, 600 का नुकसान फिर भी हुआ है, देख सकते हैं। हालांकि सारा दिन खड़े के रहकर यहाँ पर 1000 से 1500 रुपए इन्होंने कमाने होते हैं। किस तरह से शातिर महिलाएं बाजार में आती हैं तो सामान उठाकर यहाँ से ले जाती हैं। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। सबूत है, अभी ले गए होलसेलर से सबूत हो। आया डेयरी खोली है इन्होंने मेरी, ये देखो ये माल पकड़ा गया जी, ये देखो भाई साहब अभी ले गया ऐसा माल, इधर देखो आप, और भी दे दो। आप देख सकते हैं करण गेट बाजार में किस तरह से सामान चुरा लिया गया था। जब एक महिला को पकड़ लिया, दूसरी जो है वो भाग जाती है लेकर। कितना सामान ले गए थे आपको उठा के? सर जी मेरे 6 पीस थे, 4 दिए, 4 3 दिए, 3 फिर भी ले गए, 3 और उनपे है, छोड़ दिया आपने। भाग गई, अब क्या लेडीज है, कह रही इंजाम लगाऊंगी, कह रही बदतमीजी कर रहा। मैंने बदतमीजी नहीं कोई करी, मैं आंटी मेरे प्यार से ना माल दे दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब 3 टॉप ला के दिए, और भी दुकान पे चुराते होंगे ऐसे तो। यही काम है, ये संडे को ये आती है, गिरोह में ग्रुप में रहती है, हमारी नजर पड़ी है, पास ऑन कर देती है, इनका यही काम है, ये बैग लेके। आप देख सकते हैं करण गेट पे बाजार में जब ये दुकानें बाहर लगी होती है तो कहीं ना कहीं भीड़ का फायदा उठाकर सामान चुरा लिया जाता है। देख सकते हैं 3 कपड़े वापिस दिए गए, हालांकि 6 चुराए गए थे। और किस तरह से ये देख सकते हैं, आपकी दुकान से उठाया जी? दुकान तो इसी की है, मैंने बताया था इनको। अच्छा, आपने देखा था चुराते? चुराते देखा था, फिर मैंने इसको आते कहा है। हाँ जी, क्या करा उसने, कैसे उठाया था उसने? जैसे यहाँ खड़ी है देख रही है। हाँ जी, देखा उसने ऐसे पीछे उसको पकड़ा दिया वो दूसरी और। अच्छा, और मैं वहाँ से फिर उठ के भागा दुकान, मैंने इसको फिर कहा, इनको भी कहा मैंने, ये अपना दूसरे कस्टमर में बिजी थे, वो फटाफट ले जाते, भीड़ का फायदा उठाते हैं, भीड़ का फायदा उठाते हैं। 2-3-4 ग्रुप हैं इनका, हर संडे यही काम है, संडे को स्पेशली इस बाजार में चोरी होती है। संडे बाजार में किस तरह से भीड़ का फायदा उठाया जाता है तो अंकल जी ने देख लिया, तो इनके कपड़े बच गए नहीं तो ये पता नहीं चलता। और हालांकि 6 कपड़े उठाए गए थे जिसमें 3 लौटाए, 3 फिर भी इनके कहीं ना कहीं चुरा कर वो ले जाते हैं। मेरी आप सभी से अपील है, अगर आप संडे मार्केट में आते हैं सतर्क जरूर रहें, क्योंकि इस तरह की महिलाएं कहीं ना कहीं फायदा जो है वो उठा कर ले जाती हैं। इनका नाम रखा हुआ है। हाँ जी, ठीकरी क्लास गांव की हैं ये। अच्छा जी, पहले भी पकड़ी गई हैं अंकल, भी कई बार पकड़ी। इनका नाम भी रखा हुआ है, जेब कतरों से सावधान। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अभी पकड़ा गया, और साथ ही साथ जब कैमरा चलता है तो तुरंत 3 पीस वापस दे दिए जाते हैं और महिला को फिलहाल छोड़ दिया जाता है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे दुकानदार के ऊपर कि हम आपके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाएंगे, ऐसे ही कह रहे थे जी। सर ऐसे ही कह रहे थे, मैंने कहा आंटी मेरे टॉप दे दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो कह रही तू बदतमीजी कर रहा है। फिर मैंने लेडीज को बुलाया, उन्होंने कहा कि बदतमीजी नहीं कर रहे, आप हमारा सामान दो जाओ। फिर एक लेडीज गई दूसरी लेडीज के पास, एक को मैंने यही खड़ा कर दिया, उन्होंने मेरे को सामान ला के दे दिया। 6 टॉप थे, 3 दे के गई है। फिर भी कम नुकसान हुआ तो नुकसान आप देख रहे, मेरा टॉप था 600 रुपए का, 600 का नुकसान फिर भी हुआ है, देख सकते हैं। हालांकि सारा दिन खड़े के रहकर यहाँ पर 1000 से 1500 रुपए इन्होंने कमाने होते हैं। किस तरह से शातिर महिलाएं बाजार में आती हैं तो सामान उठाकर यहाँ से ले जाती हैं। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।